हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज का जो हमारा टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो होने वाला है MCO 6 का, और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग सेगमेंटेशन, कि आप मार्केट सेगमेंटेशन करके आपको कौन कौन से बेनिफिट्स जो है मिल सकते हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, हम इस वीडियो में इस बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए। उसके पहले कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोज की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए फिर बात करते हैं। सो मार्केट सेगमेंटेशन बीइंग कस्टमर ओरिएंटेड इज इन कॉन्सोनेंस विद द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट फिलॉसफी, है ना। इन मार्केट सेगमेंटेशन अ कंपनी फर्स्ट आइडेंटिफाइज द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर विद द विद इन अ सेगमेंट एंड डिसाइड्स इट इज अ प्रैक्टिकल टू डेवलप अ प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग मिक्स टू सेटिस्फाई दोज नीड्स। यहाँ पे क्या बात बोलेगी? यहाँ पे ये बात बोलेगी कि जो मार्केटिंग सेगमेंटेशन होता है वो बिल्कुल ही कस्टमर ओरिएंटेड होता है, और जो कि एक तरीके से मार्केट कंसेप्ट फिलोसफी को जस्टिफाई भी करता है। जहाँ पे आप एक मार्केट सेगमेंट तैयार करते हो कस्टमर के हिसाब से, एक कस्टमर की क्या नीड है, एक कस्टमर की क्या वांट है, उसको आइडेंटिफाई करने के बाद आप एक सेगमेंट तैयार करते हो कि ये हमारा सेगमेंट है, और उसी सेगमेंट को टारगेट करने के लिए आप एक प्रोडक्ट को डेवलप करते हो ताकि आप उनके वांट्स एंड नीड्स को सेटिस्फाई कर सको। ये बात यहाँ पे बोली गई है। बाय प्रैक्टिसिंग मार्केट सेगमेंटेशन अ कंपनी में ऑब्टेन द फॉलोइंग एडवांटेजेस एंड बेनिफिट। अब ये अगर आप करोगे तो आपको फॉलोइंग एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, जिनको एज ए इंपॉर्टेंस यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहला बेनिफिट जो आपको मिलेगा वो ये है कि बाय टेलरिंग मार्केटिंग प्रोग्राम्स टू ईच मार्केट सेगमेंट अ कंपनी कैन डू अ बेटर मार्केटिंग जॉब एंड कैन मेक मोर एफिशिएंट यूज ऑफ मार्केटिंग रिसोर्सेज, है ना। यहाँ पे जो बात बोली गई वो ये है कि जब आप मार्केटिंग प्रोग्राम्स को टेलर करते हो, मतलब उसको काटते छाटते हो, उसमें उसको जस्टी उसको यू नो एक तरीके से उसमें चेंजेस लाते हो, फ्लेक्सिबिलिटी लाते हो, तो आप एक मार्केट सेगमेंट को अच्छी तरीके से समझ सकते हो। आप अपने मार्केटिंग जॉब को अच्छी तरीके से बेटर वे में कर सकते हो, जिसके कारण से आप अपने रिसोर्सेज का ठीक तरीके से एफिशिएंटली आप इस्तेमाल कर पाते हो, है ना। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने मार्केटिंग प्रोग्राम्स को जस्टिफाई करने के लिए आप मार्केट सेगमेंटेशन को तैयार करो। तो टेलरिंग करके आपको ये फायदा मिलता है, और मार्केटिंग सेगमेंटेशन का ये एक बहुत बहुत बड़ा जो है बेनिफिट है। A small company with limited resources may be in a better position to compete more effectively in one or more small market segments, है ना? तो एक छोटी कंपनी सपोज है और वो अगर बड़े लेवल पे अगर वो काम करने उतर गई तो उनको दिक्कत होगी, राइट? तो उनके लिए जरूरी ये होता है कि वो अपने मार्केट को एक तरीके से स्मॉल सेगमेंट्स में बांट ले, छोटे छोटे सेगमेंट्स में बांट ले, जहां पे कंपनी को जो है अच्छा कॉम्पिटिशन मिलेगा, बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन उनको नहीं मिलेगा, और वो भी जो है ठीक तरीके से ग्रो कर पाएंगे, है ना। वेयर एज द सेम कंपनी वुड हैव ओवरवेल्म्ड बाय द कॉम्पिटिशन फ्रॉम बिगर companies if it aimed for major segment. तो सेम कंपनी अगर वही होगी जो कि अगर 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 बड़े लेवल पे अगर किसी मार्केट में जाना चाहेगी तो उनको बड़ा कॉम्पिटिशन मिलेगा, तो वो बहुत ज्यादा यू नो एक तरीके से ओवरवेल्म हो जाएगी, उनको थोड़ी सी परेशानी होने लगेगी, राइट। लेकिन छोटे कंपनीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो छोटे छोटे मार्केट्स को टारगेट करे, छोटे छोटे मार्केट सेगमेंटेशन को टारगेट करे और अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश करे। वेयर एज अगर आप बड़ी कंपनीज की बात करें तो वहां पे कॉम्पिटिशन ज्यादा होता है डेफिनेटली, तो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल वहां पे होती है। तो दो पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। अ कंपनी विद इफेक्टिव मार्केटिंग सेगमेंटेशन स्ट्रेटजी कैन क्रिएट अ मोर फाइन ट्यून्ड प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफरिंग एंड प्राइस इट एप्रोप्रिएटली फॉर द टारगेट सेगमेंटेशन, है ना। टारगेट सेगमेंट, एक कंपनी जिसके पास एक अच्छा मार्केट सेगमेंटेशन है, यू नो उनके पास एक अच्छी स्ट्रेटजी है, वो लोग जो है बहुत ही अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट और सर्विसेज तैयार करके आपको दे सकते हैं, जिसका बेनिफिट जो है किसी भी कंपनी को मिलता है, ताकि क्योंकि वो जो है एप्रोप्रिएटली किसी एक मार्केट को ही टारगेट करने की कोशिश करते हैं, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो डेफिनेटली अच्छा होगा ही, क्योंकि वो सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोचते हैं, उनका जो कॉमन मार्केट है, जो उनका कॉमन टारगेट है उसके बारे में वो सोचते हैं, और उसके अकॉर्डिंग वो अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं या फिर बनाते हैं, राइट। उसके बाद का पॉइंट है द कंपनी कैन मोर इजीली सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी एंड इट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट्स कॉम्पिटिटर्स इन अ बेटर वे विच आर सर्विंग द सेम सेगमेंट, है ना। तो कंपनी एक तरीके से उनको बहुत ज्यादा यू नो आसानी होती है, बहुत ही आसानी से वो सिलेक्ट कर पाते हैं एप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चैनल्स को, ऐसे चैनल्स, ऐसे नेटवर्क जो कि डिस्ट्रीब्यूशन के काम में है उनको ठीक तरीके से सिलेक्ट करने के लिए कंपनी अगर सेगमेंटेशन का सहारा लेगी तो उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स वहां पे देखने को मिलेगी, और उनको ये भी समझ में आ जाएगा किस तरीके से कॉम्पिटिटर्स के साथ उन्हें लड़ना है, किस तरीके से कॉम्पिटिटर्स के साथ उन्हें एक तरीके से उनको बीट करना है, है ना, क्योंकि वो लोग भी सेम सेगमेंट में आपके साथ यू नो एक तरीके से लड़ रहे हैं, कंपीट कर रहे हैं। तो आपके लिए ये समझना कि वो किस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं या फिर आप किस तरीके से उनके साथ कंपीट कर सकते हो, आपके लिए
मार्केट टेलरिंग, मार्केट सेगमेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। बाय डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग पोजीशन इन अ स्पेशलाइज्ड मार्केट सेगमेंट्स, अ मीडियम साइज्ड कंपनी कैन ग्रो रैपिडली, है ना। तो आप अगर एक डेवलप कर लेते हो स्ट्रॉन्ग पोजीशन एक स्पेशलाइज्ड मार्केट सेगमेंट में, तो आपके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप एक बड़ी कंपनी बन सकते हो। तो अपना नीश को पकड़ना, जैसे अभी एक टर्म चला पड़ा है नीश, नीश का मतलब होता है एक आपका जो जिस टॉपिक के ऊपर आप वीडियोस बनाते हो, सपोज मेरा टॉपिक है कॉमर्स, तो मेरा नीश क्या हो गया, कॉमर्स हो गया, है ना। आपका कोई प्रोडक्ट है जो कि हेयर ऑयल है सपोज, तो आपका नीश क्या हो गया, आपका नीश हो गया हेयर ऑयल, आप हेयर ऑयल ही सिर्फ बनाते हो, है ना, तो नीश हम कहते हैं इसे। तो वही बात यहाँ पे बोली जा रही है कि आप अगर ठीक तरीके से यू नो स्पेशलाइज्ड मार्केट में अगर आप एक स्ट्रांग पोजीशन बनाना चाहते हो, तो उस चीज के लिए आपको यू नो जो आपका जो मेन जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर आपको ध्यान देना होगा, तभी आप अपने बिजनेस को बहुत ही जल्दी से रैपिडली आप ग्रो कर पाएंगे। Now, even very large companies with the vast resources at their disposal are abandoning mass marketing strategies and embracing marketing segmentation as more effective strategy to reach various market segments in broad product market, है ना? तो यहाँ पे बात की गई है कि बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जिनके पास एक तरीके से मार्केटिंग स्ट्रेटजीज का खजाना होता है, जहाँ पे उनके पास हर चीज जो है उनके पास होती है, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को एक तरीके से दरकिनार करके वो लोग मार्केट सेगमेंटेशन को एम्ब्रेस कर रहे हैं, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, है ना। जिनके पास हर एक रिसोर्सेज अवेलेबल है वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, वो मार्केटिंग सेगमेंटेशन के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से यू नो सेगमेंट स्पेसिफिक बनाया जाए, अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाए, उसको एक तरीके से माफी चाहूंगा, I'm so sorry. तो किस तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाए इसके बारे में बात की जाती है, इसके ऊपर उनका ध्यान जो है ज्यादा रहता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के बारे में। वन ऑफ द मोस्ट एडमायर्ड कंपनीज हैज डेवलप्ड अ नंबर ऑफ डिटर्जेंट ब्रांड्स टू कैटर टू द नीड्स ऑफ द वेरियस सेगमेंट्स इन द डिटर्जेंट मार्केट, है ना। तो उनको पता चल गया कि हमारे इंडिया में ही बहुत सारे ऐसे मार्केट्स हैं, ऐसे सेगमेंट्स हैं जहाँ पे डिटर्जेंट मार्केट का डिमांड है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो सर्फ होते हैं, जो यू नो जो डिटर्जेंट होते हैं, उनकी प्राइसेस कम होती है। आप एक किलो ले लो बहुत ही कम पड़ेंगे, और कुछ कुछ आप ले लो उसकी प्राइसेस बहुत ज्यादा पड़ेंगी। वैसा क्यों होता है, क्योंकि उनको पता है कि मार्केट का सेगमेंटेशन है, एक तो पुअर पीपल्स है और एक रिच पीपल्स है। तो रिच पीपल्स जो होते हैं वो अच्छी क्वालिटी के डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो वो महंगे वाले लेंगे, है ना। तो इस तरीके से सेगमेंटिफाई किया जाता है किसी भी मार्केट को, और HLL ने ये चीज जो है करके दिखाई है। This has been done by HLL after it faced stiff competition in the 1970s from a small and lesser known Nirma Chemicals Limited in the form of Nirma brand, है ना। तो 1970 में जो HLL कंपनी, जिसको हम हिंदुस्तान यूनिलीवर के नाम से अभी जानते हैं, इस कंपनी को बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन मिला था निर्मा केमिकल्स के बारे में। आप जब छोटे हो गए तो आपने एड देखा होगा वॉशिंग पाउडर निर्मा, है ना। तो 70s में ये कंपनी जो है बहुत बड़ी बन गई थी, और इनके साथ कंपीट करने के लिए HLL को मार्केट सेगमेंटेशन का सहारा लेना पड़ा था। एज ए रिजल्ट ऑफ मार्का निर्मा ऑनस्लॉट HLL केम अप विद एन इकोनॉमिकल ब्रांड नेम व्हील टू कैटर टू द नीड्स ऑफ द मिडिल क्लास एंड इकोनॉमी कॉन्शियस डिटर्जेंट बायर। जैसा कि मैंने आपको कहा कि HLL ने बाद में क्या किया, यू नो व्हील नाम का एक सर्फ निकाला जो कि मिडिल क्लास या फिर जो इकोनॉमिक कॉन्शियस, जो पैसे के बारे में सोचते थे या जिनके पास पैसे कम होते थे, उनको टारगेट करने के लिए उन्होंने व्हील नाम का जो है सर्फ उसको निकाला, डिटर्जेंट को निकाला। आप समझ रहे हो ना यहाँ पे क्या कहने की कोशिश की जा रही है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक, है ना। बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स एंड द बेनिफिट्स फ्रॉम द मार्केट सेगमेंटेशन, मोस्ट ऑफ द कंपनीज बोथ इन कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल मार्केट आर प्रैक्टिसिंग दिस स्ट्रेटजी, है ना। तो ये जो फैक्टर्स मैंने अभी आपको बताए हैं, बेनिफिट्स आपको बताए हैं, इन सब के कारण मार्केट सेगमेंटेशन अभी के टाइम पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है किसी भी इंडस्ट्री के लिए, किसी भी कंपनी के लिए। और ये लोग जो है, जो इंडस्ट्रीज एंड कंपनीज है, वो बधड़ल्ले से इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल जो है कर रही है। वो लोग मार्केट सेगमेंटेशन को सेगमेंट करने की कोशिश कर रही है, उसको सेगमेंटिफाई करने की कोशिश कर रही है, और उसके हिसाब से वो अपने प्रोडक्ट को कैटर कर रही है, सर्व कर रही है, ठीक है ना। So because of obvious benefits, today not only market segmentation is practiced by companies manufacturing goods and services, but it has also been adopted by retailers. लेकिन ये को यहाँ पे सिर्फ manufacturing goods and services companies नहीं है जो कि इस चीज का फायदा उठा रही है, यहाँ पे जो retailers होते हैं वो भी segmentation का फायदा उठाते हैं और segmentation को करते हैं, क्योंकि इसमें benefits बहुत ही ज्यादा है, right? Many marketing experts are in of the view
that the days of the mass marketing have gone and even some companies are following mass marketing, its days are numbered, है ना? तो जो mass marketing है उसके बारे में बोला जा रहा है कि mass marketing जो है वो एक तरीके से चली गई है, खत्म हो गई है, या फिर जो companies अभी भी mass marketing का सहारा ले रही हैं, उसका इस्तेमाल कर रही हैं, उनके numbers गिने चुने हैं, कुछ सालों बाद वो जो है खत्म हो जाएंगे, आगे जाकर के आपको segmentation के according ही आपको काम करना होगा. Therefore, today companies use market segmentation to stay focused rather than scattering their marketing resources, है ना? तो अभी के टाइम पे जो मार्केटिंग सेगमेंटेशन वो इसलिए किया जाता है ताकि आप फोकस्ड रह पाओ किसी एक चीज पे, ना कि आप स्कैटर करो अपने मार्केटिंग रिसोर्सेज को, ठीक है ना? तो ये हमारा वीडियो था जहां पे मैंने आपको पूरी की पूरी जानकारी दी है इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग सेगमेंटेशन के बारे में. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करो. मिलते हैं अगले वीडियो में. अपना ख्याल रखो. बाय बाय. थैंक यू.